बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल पर। तो आज मैं अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे सिद्धपीठ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके नीचे दबी है एक राजकुमारी। एक राजकुमारी दफन कर दी गई है और ये बड़ी सच्ची और बड़ी रोचक घटना है। और इस मंदिर की खासियत है कि जो भी अपनी मुराद लेके इस मंदिर की चौकट तक पहुंच गया और कभी निराश होकर नहीं आया। और इस सिद्धपीठ का बड़ा अलग महत्व है, नील मा तारा। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना ताकि हमारी बात आप समझ सकें और इसका लाभ ले सकें। बनारस की तंग गलियों में रहस्य से भरपूर कई निर्माण हैं। यही एक छोटे से दरवाजे के पीछे ऐसा राज है जिसके बारे में अब भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। सकरी गलियों की नगरी काशी, हर गली में जागृत देवी देवताओं की नगरी काशी। हर देवी देवताओं की अपनी एक अलग दास्ता, हर दास्ता का अपना एक तिलस्म, हर तिलस्म की अपनी एक रोचक रहस्य कथाएं। ऐसे ही तमाम रहस्यों का जखीरा है काशी। काशी में दशाश्वमेध घाट के पास काली मंदिर में जब आप केदार घाट की ओर बढ़ते हैं तो वहां आप कुछ अलग तरह के एहसास से दोचार हो जाएंगे। पुराने मकानात, 16वीं सदी की दुकानें, हिप्पियों से भरे रेस्तरा, उन रेस्तरों में वक्त काट रही अजीब सी शक्लें। इसी गली से थोड़ा आगे है मोहल्ला पांडेय घाट। घाट के किनारे कोई पहलवान रहते थे, बबुआ पांडे। यह कोई सन 1805 की बात है। उनके नाम से ही इस घाट और मोहल्ले का नाम पड़ गया, पांडेय घाट। तो इस मोहल्ले में लाल रंग की एक छोटी सी इमारत है और उसमें एक छोटा सा दरवाजा। मकान नंबर D24/4 लिखा हुआ है इस मकान पर। दरवाजे में घुसने तक आप इस इमारत की थाह नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप 3 सीढ़ी चढ़कर अंदर दाखिल होंगे तब एक बड़ी ही हवेली नुमा भव्य मंदिर आपका स्वागत कर रहा होगा। ख्याल रहे, यहाँ बहुत अदब से रहने की जरूरत है। यह काशी की सिद्ध पीठ श्री तारा और श्री काली का मंदिर है। माँ तारा यानी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी, माँ काली यानी 100 पर खड़क लिए खड़ी भद्रकाली। इस विशाल अहाते के 4 आंगन हैं। यहाँ वैसे तो कई देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन मुख्य मंदिर माँ तारा और माँ काली का ही है। इसमें भी मुख्य है माँ श्री तारा। विग्रह देख ले तो सिरहन हो जाए, एक थोड़ा ऊंचा सा चबूतरा और उस पर स्थापित है माँ नील तारा का नीला विग्रह। ऐसा खूबसूरत विग्रह की देखते ही पत्थर में भी जुम्बिस आ जाए। नास्तिक भी सजदे से सर झुकाकर उसमें चलते हैं। कैफियत में आंखें जार जार रोने लगे। यह कोई किस्सा नहीं, एक सच्ची कहानी और सच्ची घटना है। और यह सब होता है माँ तारा के तेज प्रताप के कारण। दरअसल इस मंदिर का आभा मंडल खास होने की एक वजह है। यहाँ एक माँ ने अपनी सुंदर बेटी की आबरू बचाने के लिए उसे जिंदा दफन कर दिया था। उसे जीते जी भू समाधि दे दी। उस समाधि पर स्थापित कर दिया था माँ तारा का विग्रह। वह माँ भी बंगाल के नाटोर राज्य की महारानी रानी भवानी और बेटी थी राजकुमारी तारा सुंदरी। नाटोर बंगाल के बड़े रजवाड़े में से एक था। उसकी सीमाएं 13,000 वर्ग मील में फैली हुई थी। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नादिया, राजशाही, पावना, बगुरा, रंगपुर, मैमनसिंह, जसोहर और ढाका जैसे नगर उस राज्य में आते थे। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न था नाटोर। सन 1730 में उसकी सालाना आमदनी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की थी। यही के महाराज थे दत्तक पुत्र रमाकांत। और दत्तक पुत्र रमाकांत की पत्नी थी रानी भवानी। वैसे उनका जन्म 1716 में बोगरा के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बोगरा बांग्लादेश में आता है। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी करके महल में कदम रखा। रमाकांत बहुत अय्यास किस्म के शख्स थे। वह राज्य का सारा दारो मदार रानी भवानी पर छोड़कर विलासिता में डूबे रहते।
उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों का अत्याचार चरम पर था। ऐसे में महाराज रमाकांत की वजह से रानी को तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ी। बाद में मराठों के हमले में महाराज रमाकांत मारे गए। अब बची रह गई बेवा रानी और उनकी इकलौती बेटी तारा। तारा सुंदरी का विवाह खजुरा में रहने वाले रघुनाथ लाहिड़ी से हुआ था। रघुनाथ की बहुत कम उम्र में ही मौत हो गई। माँ तो विधवा पहले से ही थी और अब माँ और बेटी दोनों ही वैधव्य झेलने को विवश थी। तारा अपरूप सुंदरी थी। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला की नजर नाटोर राज्य और उसकी बेवा बेटी तारा पर पड़ी। उसने तारा से निकाह करने का ऐलान कर दिया। रानी भवानी नवाब के अत्याचार से बचने के लिए गंगा के रास्ते नाव से काशी पहुंची, लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ा। महारानी भवानी को जब यह खबर मिली कि नवाब सिराजुद्दौला ने सेना और बारात के साथ काशी का रुख कर लिया है, तो उन्होंने बेटी से बात की। कहते हैं कि तारा सुंदरी ने मां से कहा कि आप मुझे जिंदा दफन कर दीजिए, लेकिन उस विधर्मी के हाथ न लगने दीजिएगा। इस पर मां रानी भवानी ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया। समाधि पर उन्होंने रातों रात मां तारा का विग्रह स्थापित कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया या एक विशाल मंदिर बनवाया गया। मंदिर का आकार इतना बड़ा है कि उसे बनाने में 1752 से 1758 यानी कि 6 साल का समय लगा। रत्न चतुर्दशी को शुरू हुआ यह काम 6 साल बाद इसी तिथि पर खत्म भी हुआ था। बेटी के समाधि ले लेने से रानी भवानी ने एकदम वैराग्य का रूप धारण कर लिया। उन्होंने खूब दान पुण्य शुरू कर दिया। काशी नगरी के अलावा पंचकोसी यात्रा के मार्ग पर तमाम धर्मशाला बनवाए, कुएं और तालाब खुदवाए, पेड़ लगवाए। कम लोग जानते हैं कि काशी में तमाम मंदिर, घाट, धर्मशाला, तालाब और कुंड या तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाए या फिर महारानी रानी भवानी ने। रानी भवानी के बारे में कहा जाता है कि वह हर रोज गंगा स्नान के बाद एक भूखंड दान करती थी। यह क्रम पूरे 1 साल तक चला। जब कोई दान लेने वाला नहीं आता तो कुमार स्वामी मठ के लोग मकान या भूखंड दान में ले लेते थे। काशी में कुमार स्वामी मठ की ज्यादातर संपत्ति रानी भवानी के दान में मिली हुई है। बहरहाल रानी भवानी ने काशी में तारा मंदिर की पूजा और सारी परंपरा बंगाल के वीरभूम में स्थापित माँ तारा पीठ से जोड़ दी। कहते हैं कि जब महामाया दुख से पीड़ित संसार की रक्षा के लिए उत्सुक हुई तो उन्होंने काली और तारा सहित 10 रूप धारण किए थे। इन्हीं 10 रूपों में आगे चलकर असंख्य रूप प्रकट हुए और उन्होंने संसार के अनेक विपत्तियों को बचाया। मार्कंडेय पुराण में भी इसका जिक्र है। काशी में माँ तारा का एक और मंदिर है। इसकी स्थापना इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने की थी। रानी भवानी के बनवाए मंदिर की बात करें तो इसमें 4 अहाते और कई मंदिर हैं। मुख्य परिसर में दाखिल होते ही परिजात का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। ठीक सामने स्थापित है माँ विशालाक्षी का विग्रह। दाईं ओर राधा कृष्ण और माँ ललिता विराजमान है, तो बाईं ओर गोपाल कृष्ण जी का मंदिर। एक पतले से गलियारे से होकर जब आप अगले आंगन में पहुंचेंगे तो वहां आपको एक अलग तरह की अनुभूति होने लगेगी। यही राजकुमारी तारा सुंदरी का समाधि की स्थापना है, नील तारा का। तो दोस्तों, यहां पर जो भी गया है खाली हाथ नहीं लौटा है, और जीवन में जब भी समय मिले तो इस मंदिर माँ नील तारा का दर्शन आप जरूर करना। यदि आप भाग्य को कोस रहे हैं तो शायद आप भाग्य को कोसना बंद कर देंगे, रातों रात आपकी भाग्य बदल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यह कहानी जरूर है लेकिन बहुत ही हकीकत कहानी है और इस पर आप विचार करना। तो अब विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।